Assalamualaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourers, viewers. आज होंडा सीजी पे निकला हूँ. हंसी थोड़ी सी मुझे इसलिए आई कि मैंने उल्टा गियर लगा दिया था इसका भी, क्योंकि जाहिर है काफ़ी दिनों बाद चलाई है. तो वो गियर की कंफ्यूजन थोड़ी हो गई थी. अच्छा व्यूअर्स, ये चल गई है 2000, इनफैक्ट 2000 से थोड़ी ऊपर निकल गई है. तो मैंने चेंज करना था इसका इंजन ऑयल, तो मैंने सोचा कि आज फ्राइडे है, आज इसका इंजन ऑयल चेंज करा देता हूँ, कि हो सकता है कि फिर टाइम कब मिले कब ना मिले. तो अभी फिर इसका इंजन ऑयल करते हैं चेंज. अच्छा 2027 चल चुकी है अगर आप देख रहे हो. अलैकुम, क्या हाल है? इंजन ऑयल चेंज करना था इसका, हो जाएगा, बस कर दें. हाँ हाँ मैं ले आऊँ. अच्छा व्यूअर्स, तो आगे जाना पड़ रहा है बिल बनवाने के लिए इंजन ऑयल का. इनफैक्ट पीछे वो शॉप है और वहाँ पे बनता है बिल. अस्सलाम वालेकुम. सीजी 125 का इंजन ऑयल चेंज कराना. इनको बता क्या करेंगे, कौन चल रहा है? इंजन आया है ना ऑयल, रियर है 125. इंजन ऑयल चेंज कराना है सीजी 125 का. सीजी 125 का इंजन ऑयल चेंज कराना है और लेबर वगैरह जो भी है मुझसे चार्ज कर लें ताकि जल्दी से चेंज हो. अच्छा व्यूअर्स, मैं हूँ जी अभी कराची कंपनी में, जो आपको पता है कि जहाँ पे आता हूँ. अच्छा जी, ये है इंजन ऑयल, ये उसका भी यही डलता है ना, एससी है. ठीक, 115 नहीं, एससी मॉडल जो है सीजी 125 जी व्यूअर्स. तो 460, ठीक है ये ले. ऑयल का रंग तो काफ़ी काला निकला है व्यूअर्स. ये सेकंड ऑयल चेंज मैंने कराया और आप देख सकते हैं कि काफ़ी काला रंग है. और हाँ, मैं रीडिंग आपको दिखा देता हूँ, रीडिंग ज़रा क्लोज से दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं. अच्छा जी व्यूअर्स, इंजन ऑयल चेंज हो गया और ज़ाहिर है पूरा चेकअप जो सही मैकेनिक है पूरा चेकअप करके देगा. ये फ़ायदा खैर मुझे हो गया कि अगर कोई ऐसे अनप्रोफेशनल होता तो उसने ये चीज़ें चेक नहीं करनी थी कि इंजन ऑयल पर कौन चेक करता ये चीज़ें. हाँ बस सही है, ठीक है. बाकी तो जब वो, अच्छा 3000 रुपये है ना इसकी ट्यूनिंग, 4000 रुपये. अच्छा ठीक ठीक व्यूअर्स, दूसरी जो ट्यूनअप है इसका 4000 रुपये है और हर 1000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस है. हो गया, चलें ठीक है जी.
अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे इंजन ऑयल मैंने चेंज कर दिया है और मैं निकलने को इसलिए चेंज करवा लिया, आज फ्राइडे, और ये है कि बाद में फिर हो सकता है मौका लगे ना लगे, और हो सकता है कुछ काफ़ी दिनों से लॉन्ग टूर अवेटेड था। आप लोग भी कह रहे थे कि भाई सीजी नहीं चला रहे, तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि सीजी की राइड आपको बताऊं। और मैंने आज 2000 किलोमीटर्स पर इसका इंजन ऑयल चेंज कर दिया और साथ ही थोड़ी राइड करूंगा। तो हर बाइक की व्यूअर्स अपनी वो एक होती है, प्रैक्टिस कह लें या जो भी, जाहिर है क्योंकि इसके गियर्स अब और तरीके से लगते हैं, और जो ऑब्वियसली मैं जो चलाता हूँ बिनेले उसके रिटर्न शिफ्ट है, पहला आगे और बाकी पीछे, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बहरहाल तो इंजन ऑयल चेंजिंग की वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहा था, और थोड़ा सा इधर से निकलता हूँ, और इरादा है व्यूअर्स के कुछ राइड्स इस पर करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली वो होंडा सीजी 125 के फ़ैन हैं, मतलब होंडा फैंस हैं, वो चाहे सीजी है या सीबी है या जो भी है। मैं खैर सीजी भी लाइक करता हूँ और सीबी भी लाइक करता हूँ, सीबी 125 भी, मतलब पावर की वजह से जाहिर है, एक वो मतलब पावर मिलती है होंडा में, ये है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो यही थी कि अपडेट कर दूँ, आपको पता चले कि कितनी चल गई है आज की डेट तक। काफ़ी कम चली है क्योंकि जाहिर है दोनों शेयर करके चला रहा हूँ अलग अलग, और इवन मतलब वो मैं इससे ज़्यादा चला चुका हूँ व्यूअर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइड की है और वीडियोस आपसे शेयर किए, और उसके अलावा भी काफ़ी राइड की है जो वीडियोस में नहीं शेयर किया। तो व्यूअर्स इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और इंशाल्लाह राइड्स पर होगी जल्द मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।